हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं पुनीता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाऊंगी अंडा करी, बिल्कुल होटल वाली। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और सर्दी के मौसम में अंडा करी खाने का मज़ा ही अलग है। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अंडा करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 3 मीडियम साइज की प्याज, थोड़ा सा अदरक, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 4 टमाटर। अब हम इन सबको रफली चॉप कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब चीज़ों को चॉप कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 10 अंडे उबले हुए, इनको मैंने छील लिया है। अब हम इनमें बीच में कट लगाएंगे ताकि तेल हमारे ऊपर ना पड़े जब हम इनको फ्राई करेंगे। आप नाइफ या टूथपिक की हेल्प से इस तरह इनमें होल बना लें। इसी तरह से हम सारे एग्स को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमने एक कढ़ाई में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल को डाल करके अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे और एग्स को फ्राई करते हुए हम फ्लेम को हाई रखेंगे, क्योंकि अगर हम इनको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर की परत जो होती है एग्स की, वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, आप इनको हाई फ्लेम पर ही अलट पलट करते हुए फ्राई करें। ये देखिए फ्रेंड्स, जिधर से वाइट है हम उधर से इस तरह से इनको फ्राई करते जाएंगे। देखिए, और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे एग्स रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल अच्छे से गर्म है पहले से ही। बस हम बचे हुए एग्स को भी इसी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है और देखने में कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। अब हम ऑयल को थोड़ा सा साफ कर लेंगे अगर ख़राब हो गया हो तो। बस अब हम फ्लेम को कर देंगे लो, और लो फ्लेम पर हम ऑनियन को इसमें ऐड कर देंगे जो हमने रफली चॉप की हुई हैं, और 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 1 मिनट के बाद हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन, मिक्स करेंगे और इनको भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। चलाते रहेंगे बीच बीच में जिससे कि मसाला हमारा जले ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से भुन गए हैं। अब हम ऐड कर देंगे रफली चॉप किए हुए टमाटो, मिक्स करेंगे एक बार, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और फिर इसको ढक कर के सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार बीच में चेक कर लेते हैं और मिक्स भी कर देते हैं। तो फिर से हम ढककर इनको पकाएंगे, पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गई हैं और टमाटर को हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बस अब हम गैस को कर देंगे बंद और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इनकी प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ठंडा हो गया है। अब हम इनको जार में डाल लेते हैं और प्यूरी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। ये लिए हैं मैंने कुछ खड़े मसाले, 2 तेज़पत्ते, 6 से 7 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और दालचीनी, और 1 चम्मच जीरा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा अब हम ऐड कर देंगे इसमें जीरा और साथ ही साथ ये सारे खड़े मसाले मिक्स कर देंगे एक बार, और हम गैस को कर देंगे बंद
और ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बिकॉज हमें इसमें लाल मिर्च और हल्दी पाउडर को ऐड करना है। तो पहले हम ऑयल को अच्छे से ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, और फिर उसके बाद ही हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब ऐड करूँगी इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम गरम ऑयल में ही हल्दी और मिर्च को डाल देंगे तो वो जल जाएगी, और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे हम। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और गैस को मैंने रखा है लो फ्लेम पर। एक बार मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन की बनाई गई प्यूरी। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐड कर दिया मैंने। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और जार को भी इसी में धुल करके डाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी अभी बहुत गाढ़ी है। अब हम ऐड करेंगे इसमें कुछ मसाले, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, बिकॉज हमने इसमें जब हमने टमाटर को पकाया था तब भी ऐड किया था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्स करेंगे एक बार, और अब हम ऐड करेंगे इसमें पानी। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद हो, थिक या पतली। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये रोटी के साथ खानी है, तो मैंने ग्रेवी को ज़्यादा पतला नहीं किया है। बस अब हम ऐड कर देंगे इसमें एग्स फ्राई किए हुए। तो यहाँ पर मैंने एग्स को ऐड कर दिया है। एक बार मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, कलर कितना बढ़िया आया है। मिक्स होने के बाद अब हम इसको ढककर 3 से 4 मिनट या फिर उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गई है और एग्स में अच्छे से देखिए उबाल आ गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, देख सकते हैं आप। तो एक बार मिक्स करेंगे और देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ लास्ट में ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और खूब सारा हरा धनिया, मिक्स कर देंगे, और बस एक बार फिर से हम इसको ढककर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुकी है। अब मैंने गैस को कर दिया है बंद और इसको हम करेंगे एक बार मिक्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म एग करी बन करके रेडी है। ये देखिए, सुपर यम्मी, सुपर टेस्टी एग करी। आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आप इसे राइस या फिर नान या फिर रोटी के साथ जैसे मर्जी इन्जॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस यम्मी सुपर डिलीशियस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।